आज की इस वीडियो में हम जिस के बारे में बात करने वाले हैं वो है कैमरा के बारे में। हम बात करने वाले हैं, हम जो कैमरा ले लेते हैं लेकिन कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है, फोटो पिक्चर क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है मेमोरी कार्ड पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा मेमोरी कार्ड, यदि आप एक फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, वीडियो यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते हैं, तो कौन सा मेमोरी कार्ड आपके पास होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेमोरी कार्ड है वो कई टाइप के आते हैं, उनके सभी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। तो चलिए बात करते हैं आज मेमोरी कार्ड्स के बारे में। तो मेमोरी कार्ड जो है, मैंने एक मेमोरी कार्ड परचेज किया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। वैसे छोटा सा मेमोरी कार्ड है, इसकी क्या अनबॉक्सिंग, लेकिन फिर भी हम करेंगे। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने अनबॉक्सिंग की थी एक मायो की, जो कि बायो का माइक था। ये उसी माइक से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप ऑडियो क्वालिटी का अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी उस माइक से मिलने वाली है। माइक मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली, और इसमें DSLR और स्मार्टफोन दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। और वायर तो इतनी लंबी दी गई है, 20 फिट की वायर है, यानी वायर की कोई आपको झंझट ही नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, माइक खरीदते हैं उसके साथ वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए बात करते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में। आपके जो स्मार्टफोन या DSLR जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर मेमोरी कार्ड, दो तरीके के मेमोरी कार्ड लगते हैं, या तो उसके अंदर SD कार्ड लगेगा या फिर उसके अंदर माइक्रो SD कार्ड लगेगा। यदि SD कार्ड लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो SD कार्ड लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक मेमोरी कार्ड परचेज किया है, ये सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको 700, 800, 900 रुपए के आसपास मिल जाएगा। 64 GB का मेमोरी कार्ड है, और सबसे बड़ी बात है ये क्लास 10 का मेमोरी कार्ड है। क्लास 10 का मेमोरी कार्ड आपको एक अच्छी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसकी मैं बताता हूँ इससे क्या बेनिफिट है, क्या आपकी पिक्चर क्वालिटी के ऊपर या वीडियो क्वालिटी पे आपका क्या इम्पैक्ट इससे पड़ता है। जैसे कि आप कोई 4K वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर कोई अच्छी आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो वो आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में वो आपके यदि स्मार्टफोन वगैरह से आप करते हैं तो वो आपके स्मार्टफोन में स्टोर हो जाती है। यदि स्मार्टफोन से नहीं करके आप किसी DSLR से या किसी कैमरा से आप करते हैं तो वो सीधा स्टोर होती है आपके मेमोरी कार्ड पे। अब उस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मेमोरी कार्ड की स्पीड है, वो स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा जल्दी आपकी इमेज वहाँ पर स्टोर हो पाएगी। या फिर जैसे आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो जितनी अच्छी आपकी मेमोरी कार्ड की स्पीड होगी उतना ही पर सेकंड वो वीडियो जो है वो आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर हो पाएगा, और जितना जल्दी वो स्टोर हो पाएगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल पाएगी। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देके जो है क्लास 10 का ही मेमोरी कार्ड लीजिए, और इसके अंदर भी कम से कम आप जो है 64 GB का मेमोरी कार्ड लीजिए। मेमोरी कार्ड इससे ज़्यादा भी आते हैं, 128 GB का भी आता है, वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। उसका रीजन है क्योंकि जैसे मैं अभी एक एक्शन कैम यूज कर रहा हूँ, कहाँ गया मेरा एक्शन कैमरा, ये नॉइस प्ले का जो है व्लॉग एडिशन में एक्शन कैमरा यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर जो अभी तक मैं मेमोरी कार्ड यूज कर रहा था वो क्लास 3 या क्लास 4 का था, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके अंदर मेरे को हालांकि ठीक ठाक मिल रही थी वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने जो है ये स्विच किया। 64 GB आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपको किसी भी आप कैमरा में यूज करें आपको तकरीबन 30 मिनट्स की वीडियो की आउटपुट दे देगा, चाहे आपकी कितनी भी हैवी फाइल बनाते हो। और दूसरी बात यह कि 64 GB का तो ये कंफर्टेबल हो जाता है हर एक कैमरा के साथ। कोई भी यदि आप कोई छोटा सस्ता एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कोई बजट कैमरा या कैमकॉर्डर कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम कैपेसिटी जो आपको 64 GB तो मिल ही जाएगी। तो ये आपको बेनिफिट है, तो ये ज़्यादा चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। अभी चलिए देखते हैं इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर। ये 64 GB का है, 10 साल की वारंटी है। इसकी स्पीड है अप टू 100 MBPS पर सेकेंड, और ये क्लास 10 का मेमोरी कार्ड है सैंडिस्क का। आप सैमसंग वगैरह का जो भी चाहे आप वो ले सकते हैं, मेरे को सैंडिस्क का अच्छा मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। तो चलिए इस मेमोरी कार्ड की छोटी सी अनबॉक्सिंग कर ही डालते हैं। हमारा हथियार हमने ले लिया, तो ये हमने कर दी है इसकी चीरहरण। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके साथ वारंटी मिल जाती है 10 साल की,
और ये वाटर प्रूफ है, टेम्परेचर प्रूफ है, एक्सरे प्रूफ है और भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन यदि आपके काम आई तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और के भी काम आए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। थोड़ा सा अगला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम बिल्ड करने वाले हैं एक बजट गेमिंग पीसी अंडर 10,000 रुपीज़। देखिएगा, धन्यवाद।